मैं हालात बंगाल से अशफाक अहमद और जावेद साहब और हम सब साथी ये जानना चाहते हैं कि बंगाल का चुनाव 8 चरणों में क्यों किया गया है, जबकि सभी जगह एक ही चरण में चुनाव हो रहा है। देखिए, ऐसा है कि ये सही सभी लोगों ने इसके बारे में पूछताछ कर रहे हैं कि आखिर क्या खास बात कि बंगाल का चुनाव जो है 8 चरणों में हो रहा है। इसके अलावा आसाम का भी 3 चरण में किया गया है, लेकिन ये जो है सेंट्रल इलेक्शन कमीशन का डिसीजन है और इस पर मेरा कमेंट करना ये बोलना मुनासिब नहीं है। हाँ, इतना ज़रूर है कि आसाम में 126 सीटें हैं, जबकि केरला में जो है अगर देखा जाए तो 140 सीटें हैं और तमिलनाडु में 234 सीटें हैं। ऐसे हालात में सब जगह एक चरण में और सिर्फ आसाम में ही और बंगाल में ऐसा क्यों किया गया? कहीं न कहीं सस्पिशन का जो है शक की गुंजाइश वहाँ पे रहती है और लोग ये सवाल जो कर रहे हैं एक तरह से ठीकी कर रहे हैं। यही नहीं, एक तरह से तो देखा जाए बंगाल को ये 8 चरणों का चुनाव को लेकर तो बाकायदा सुप्रीम कोर्ट में रिट पिटीशन भी लगाया गया है। तो ये अपने आप में है और ऐसा नहीं होना चाहिए। ये कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेशन, ये भेदभाव की बात होती है। जी सर, बीजेपी पार्टी की भी सर बहुत सारी शिकायतें मिल रही हैं, आप इसके बारे में देखिए। ऐसा है कि बीजेपी पार्टी की जो शिकायतें मिल रही हैं, अब जो कंसर्न जो वहाँ पे पार्टी है टीएमसी है, टीएमसी के साथ साथ सीपीआई है, कांग्रेस है और उसके साथ साथ इंडियन सेकुलर फ्रंट है, तो उन लोगों को सेंट्रल इलेक्शन कमीशन के सामने जो या सेंट्रल इलेक्शन कमीशन का जो वहाँ पे प्रतिनिधि जो ऑब्जर्वर जो नियुक्त किए गए हैं उनके सामने जाकर उनको कंप्लेन करना चाहिए। हाँ, अभी ढेर सारी बीजेपी के खिलाफ कंप्लेंट्स आए हैं कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी और सेंट्रल लीडर्स की जो है कटआउट जो है खास करके ये जो पब्लिक प्लेस है जैसे पेट्रोल पंप आदि वगैरह पे लगाए गए हैं या ऑलरेडी पहले से लगा हुआ है, और यहाँ तक कि वहाँ पे चारों तरफ ऐसे जो पब्लिक प्लेस है ऑफिसेज है तो वहाँ पे उन्होंने हटाने की बात कही गई है। तो ये इस तरह की शिकायत और भी जी सर, केरला में ई श्रीधरन बीजेपी के मुख्यमंत्री के उम्मीदवार हैं। ई श्रीधरन साहब बंगाल में कौन हो सकता है? बंगाल में देखिए, जिस तरह से बिल्कुल बात सही कह रहे हैं कि टीएमसी के कैंडिडेट तो ममता जी हैं और केरला में ई श्रीधरन साहब जिनको मेट्रो मैन के नाम से जाना जाता है, जिनकी उम्र जो है 87-88 है, और किस तरह से क्यों किया गया ये समझ से परे, जबकि बीजेपी का तो ये नियम है कि 75+ जिसमें कि यशवंत सिन्हा साहब का और लाल कृष्ण आडवाणी के मुरली मनोहर जोशी का, इसके अलावा ढेर सारे नेताओं का टिकट काट दिया गया। तो इस सीजन का वहाँ पे क्यों एज ए सीएम कैंडिडेट वहाँ पे, तो तमाम जो ओपिनियन पोल है उनका कहना था कि गलती से पिछले बार जो चुनाव हुए थे एक शायद बीजेपी के कैंडिडेट जीत गया था, इस बार तो वो भी नहीं होने वाला है। अब रहा सवाल बंगाल की बात कर रहे हैं, तो बंगाल में तो यही तो उनके साथ परेशानी है बीजेपी के साथ में, बीजेपी के तो कोई कैंडिडेट नहीं है। हालांकि कांग्रेस में तो भाई चलो अधीर रंजन साहब हैं, वहाँ पर उनके बीजेपी प्रेसिडेंट थे और पार्लियामेंट में वो अपोजिशन लीडर हैं तो वो हो सकते हैं, लेकिन बीजेपी के पास तो ऐसा कोई कैंडिडेट नहीं है। अगर देखा जाए तो कांग्रेस के पास कैंडिडेट है और उसके पास में सीपीएम सीपीआई के पास कैंडिडेट है, लेकिन उनके पास तो है ही नहीं, और इसीलिए सब इतर व्यवधान की बात उत्पन्न किया जा रहा है। तमाम तरह की शिकायतें ये वजह है, टीएमसी यहाँ पे जो है बहुत ही पावरफुल है और इसीलिए उसके फेवर में एक तरह का हवा माहौल है। दूसरा जो कि मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ बता दूं मैं कि वहाँ पे जितने भी नेता गए हैं बीजेपी ने तमाम अपने सेंट्रल लीडर्स ढेर सारे मंत्री ढेर सारे चीफ मिनिस्टर खास करके जो मध्य प्रदेश के हैं या यूपी के हैं या वहाँ के गए हैं, उन्हें तमाम भावनात्मक बातें कही गई, लब जहाद की बात कही, फिर उसके बाद कहा कि फला समाज के लोग खतरे में हैं। अरे भाई, आप जीएसटी की क्यों नहीं बात करते हो, डिमोनेटाइजेशन की क्यों नहीं बात करते हो, पेट्रोल के प्राइसेस के बारे में क्यों नहीं बात करते हो, इन्फ्लेशन क्यों नहीं बात करते हो, 15 लाख जो गया वो कहाँ गया, हमारी इकॉनमी की क्या पोजीशन हो गई, जीडीपी कहाँ चला गया उस पर कोई बात करता, हमारा फॉरेन रिलेशन और चाइना ने हमारा हालत क्या बना रखा उसकी कोई बात नहीं कर रहा, तमाम भावनात्मक मुद्दे। और वहाँ पे बंगाल में देखिए, ऐसा जो बंगाल है वो केरला की तरह से वहाँ के जनता बहुत जागरूक है। जी सर, ये सब बंगाल का चुनाव त्रिकोणीय होने जा रहा है, इससे टीएमसी को फायदा मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा, त्रिकोणीय। देखिए, ऐसा था पहले ये था कि कांग्रेस और कम्युनिस्ट वहाँ पे नहीं थे, लेकिन आज के डेट में तो कांग्रेस कम्युनिस्ट के साथ साथ पे इंडियन सेकुलर फोरम साथ में आ गया है, तो ये त्रिकोणीय होने की वजह से तो इसका 100% लाभ जो है ममता जी को टीएमसी को मिलेगा। और जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि ये बता दूं कि भावनात्मक ये जो गेम खेला जा रहा है, नारे दिए जा रहे हैं और ये तमाम देशभक्ति के तौर पर ये व्यापार किया जा रहा है, इससे कोई फायदा नहीं होगा, इसका पूरा पूरा फायदा टीएमसी को मिलने वाला है, क्योंकि वहाँ की जनता जागरूक है और वोट डिवाइड नहीं होने वाला, पोलराइजेशन नहीं हो सकता है। हाँ, इतना जरूर है कि तमाम तरह खुराफात किया जा सकता है, हो सकता है कि
ये कई चोरों में क्या कराया गया है, तो लॉ ऑर्डर प्रॉब्लम जो है की जाएगी, आम जनता में जो कॉमन जनता जो है जिनमें डर भय किया जा सकता है। यहाँ पे जो फायदा जो है देखा जाए तो टीएमसी को हर तरह से उनका कैंडिडेट ओपन है, उसके साथ किरकुरियो हो रहा है उसको उसका फायदा मिलेगा, जनता जागरूक उसको उसको फायदा मिलेगा, तमाम भावनात्मक जो इशू ला रहे हैं उससे उनको कोई फायदा नहीं मिलने वाला है। आप तमाम मीडिया में खासकर हालात बंगाल का और कश्मीर मीडिया और उसके साथ साथ में खबरें आज भी और उनके जागा गर्जा छत्तीसगढ़ और खुलासा छत्तीसगढ़ पोस्ट का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर।